हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डैटसन गो 2023 मॉडल, डैटसन गो वेरिएंट, डी वेरिएंट पेट्रोल में। आज हम बात करेंगे कैसी है ये गाड़ी, डैटसन गो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, प्राइस क्या है इसका, फीचर्स क्या हैं, कंफर्ट कैसा है, बाकी गाड़ियों के मुकाबले कैसी चलती है ये गाड़ी, प्राइस रेंज क्या है, माइलेज क्या है, कितना सीसी का है, कितना हॉर्स पावर है, फुल डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके प्राइस रेंज से। प्राइस जो है इसका पड़ता है एक्स शोरूम प्राइस 4 लाख रुपये, जो है ऑन रोड 4,17,000 में जाता है ये। वहीं पे माइलेज की बात करें तो 20 की माइलेज देती थी। 1200 सीसी का इंजन है 70 की हॉर्स पावर के साथ। नंबर ऑफ सिलेंडर 3 है इसमें। वहीं पर फीचर की तरफ चलें तो दोस्तों, बूट स्पेस देखें तो 270 की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर्स। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें दोस्तों तो पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता, पावर विंडो मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जो नहीं मिलता इसमें, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एसी हीटर, एडजस्टेबल क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, रिमोट ट्रंक ओपनर, रिमोट फ्यूल लिड, ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैंप, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, कप होल्डर, रियर रियर एसी वेंट्स, हीटेड सीट फ्रंट, हीटेड सीट रेयर, क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट एसेस कार्ड, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्टअप बटन, ग्लोव बॉक्स, कूलिंग, वॉइस कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील, गियर शिफ्ट पैडल्स, यूएसबी चार्जर, टेलीगेट अजार, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, रेयर कर्टेन, लगेज हुक एंड नेट, लेन चेंज इंडिकेटर। तो ये चीज़ें दोस्तों इसमें नहीं मिलती हैं, और जो जो मिलती हैं अब उसकी बात करते हैं। पावर विंडो फ्रंट आ जाता है, एक्सेसरी पावर आउटलेट, लो फ्यूल वार्निंग के साथ, रियर सीट हेडरेस्ट आ जाती है, कप होल्डर्स फ्रंट आ जाते हैं, सीट लंबर स्पोर्ट आ जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाता है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। टेक्नोमीटर, इलेक्ट्रिक ट्रिपनोमीटर, लेदर सीट नहीं आती, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है, लेदर स्टीयरिंग व्हील नहीं आते, ग्लव कंपार्टमेंट आता है, डिजिटल क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, सिगरेट लाइटर, ये सब नहीं आता, डिजिटल ऑडोमीटर आता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, ड्राइवर एक्सपीरियंस कंट्रोल, इको फोल्डिंग टेबल इन द रेयर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल टोन डैशबोर्ड नहीं आता। एडिशनल फीचर की बात करें तो स्पोर्टी अर्बन थीम, एस्यूनेटेड इंटीरियर्स, ब्लैक फैब्रिक सीट, अपहोल्स्ट्री, ऑल ब्लैक इंस्ट्रूमेंट पैनल, कार्बन फाइबर इंटीरियर इंसर्ट्स, फ्रंट डोर विद मैप पॉकेट्स एंड बॉटल होल्डर, फ्रंट रूम लैंप, सुपरविजन, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ट्रिप कंप्यूटर मिड, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, डुअल ट्रिपनोमीटर, एवरेज व्हीकल स्पीड, इंजन रनिंग टाइम। अब एक्सटीरियर में चलते हैं दोस्तों। एडजस्टेबल हेडलाइट्स, मैनुअली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर, पावर एंटीना, टिंटेड ग्लास, ट्रंक ओपनर, लीवर, टायर साइज 14 इंच ट्यूबलेस टायर। सेफ्टी की बात करें तो ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, नंबर ऑफ एयरबैग 2, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, पैसेंजर साइड रियरव्यू मिरर, रियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, इधर बैठो ना, इंजन इंबॉयलर गैस सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स। हेड अप डिस्प्ले, आईसोफिक्स, चाइल्ड सेफ्टी मोड्स,
नी एयरबैग्स।